नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है, जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक का नहीं होगा। ए 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम या डी 20 किलोग्राम। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया नदी थाना जांच में पहुंचे डीआईजी सुजीत कुमार। भागलपुर जिले के डीआईजी सुजीत कुमार वार्षिक जांच के लिए नदी थाना नवगछिया पहुंचे। वहीं साथ में नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रा, एसडीपीओ दिलीप कुमार, डीआईजी सुजीत कुमार ने मौके पर बताया कि नदी थाना नदी के रास्ते काफी लंबे तक इसका क्षेत्र आता है। फिलहाल थाने को एक नाव प्रबंध कराया गया है, बाकी आगे भी जरूरत पड़ी तो वोट दिया जाएगा, ताकि नदी के रास्ते आसानी से गश्ती कर सके, दियारा इलाके में अपराधियों पर नकेल कस सके। वहीं उन्होंने बताया कि सिपाही और अधिकारी चदरा के बैरक में रह रहे हैं, ठंड और बरसात में उनको काफी दिक्कत होती है। हालांकि थाना भवन के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है, जल्द ही भवन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या सब हुआ सर यहाँ पे? ये हम लोगों का वार्षिक निरीक्षण का जो कार्यक्रम है, उसके तहत आज मैं नौगछिया के नदी थाना में निरीक्षण के लिए आया था। और यहाँ मेरे साथ पुलिस अधीक्षक नौगछिया, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय नौगछिया, अंचल निरीक्षक बीरपुर, थानाध्यक्ष इत्यादि सभी लोग थे। यहाँ पे हम लोगों ने जो रूटीन वार्षिक निरीक्षण के संबंध में जो भी कार्रवाई करनी थी, वो सब अभी मैंने की है। सर ये नदी थाना है, नदी का दायरा ज़्यादा लंबा है और किराए के नाव से यहाँ पे गश्ती किया जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है कोई वोट वोट के लिए? एसपी मैडम को कहा है कि वो इस संबंध में एक विस्तृत समीक्षा कर लें कि यहाँ पर नदी में नाव की व्यवस्था जो अभी की गई है वो किस प्रकार की है, और अगर आवश्यकता है तो पूर्व में एक नाव उपलब्ध कराया गया था, बट अगर आवश्यकता है तो एक प्रस्ताव यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं नए नाव के अधिग्रहण के लिए। यहाँ पर रहने की भी कमी है, जो यहाँ पे गार्ड वगैरह रहते हैं जो बारिश में थाना को अपना भवन बनाने हेतु जमीन उपलब्ध हो गया है। इसके आगे के लिए पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने पत्राचार किया है और बहुत जल्द यहाँ पे भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहाँ उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर जिले में चोरों ने मचाया आतंक, ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने चोर के घर से कई सामान किया बरामद, एक गिरफ्तार। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के कोरीटोला में आए दिन चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। रविवार को विवेक कुमार नामक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे, उसी दौरान बेखौफ चोरों ने उनके घर से फ्रिज, टीवी, गैस सिलेंडर, सोने का जेवरात, 50,000 कैश रुपए ले उड़े। वहीं विवेक कुमार ने बताया कि हबीबपुर थाने में आवेदन देकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु गुहार लगाया था। पुलिस कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से गांव के ही युवक मनीष कुमार पिता स्वर्गीय गोपी शंकर के घर से फ्रिज एवं गैस सिलेंडर पुलिस ने बरामद किया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में कई बार इस तरह की घटना प्रकाश में आते रहती है, वहीं चोर युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। विवेक कुमार, कहाँ घर हुआ सर आपका? हबीबपुर। क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? सर सामान चोरी हुआ हमारा फ्रिज और एलईडी टीवी, कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरा, गैस सिलेंडर, 10 ग्राम सोने की चैन था सर, 50,000 नकदी था, 10 पीस पर्दा था सर न्यू, 2 जीन्स पैंट शर्ट था और बहुत सारा सीएफएल वगैरह खोला हुआ है सर, 7-8 पीस। अब क्या करते हैं? हम प्राइवेट टीचर हैं सर पढ़ाई। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर सर निजी घर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ हबीबपुर में अपना घर न्यू बनाया हुआ है। सामान बरामद कहाँ से हुई? सामान हमारे अपने मोहल्ले में ही एक लड़के के यहाँ बरामद। क्या नाम है लड़के का?
मनीष, जिसका नाम मनीष कुमार है। कैसा लगता है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं? जी जी, और शामिल है। थाना में आवेदन दे रहे हैं आप? जी जी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में थाना के चंद कदम दूर पर लूटपाट। भागलपुर में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के टूटा पुल के समीप देर रात अपराधियों ने जमकर लूटपाट किया है। वहीं इस दौरान घटनास्थल से चंद कदम दूर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि पुलिस की गश्ती गाड़ी बाईपास पर खड़ी थी। लूटपाट के दौरान सजोर के एक पीड़ित ने बताया कि अपराधियों ने उनके पैसों से भरा पर्स छीन लिया। वहीं घटनाक्रम के बाद थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस और थाना के पुलिस की सुस्ती पर सवाल होना लाजमी है। एक और SSP रोको टोको अभियान से अपराध पर लगाम लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह की आपराधिक घटना और मधुसूदनपुर थाने के पुलिस की शिथिलता SSP के तमाम दावों पर पलीता लगा रही है। वहाँ पर क्या आदमी था? 3 आदमी था। मारा भी है आपको? हाँ, एक डंटा मारा भी। कहाँ दिखाइए? और कुछ क्या क्या लिया? पर्स खाली मेरा लिया है। हाँ। पर्स में वही लगभग 3,500 रुपया था। हाँ। बाकी गाड़ी का पेपर था, ATM वगैरह था उसमें। पेपर ऊपर सब ले लिया है? हाँ। पेपर भी लिए, गाड़ी का ले लिया। हाँ, गाड़ी का पेपर, ATM। आप जो उधर से आ रहे थे आगे में, पहले क्या क्या चीज़ से प्रभाव किया? वो झाड़ी था। हाँ। झाड़ी था तो हम स्लो किए गाड़ी, स्लो किए तो तुरंत दौड़ करके आ गया, गाड़ी रोको। ये 2 आदमी आगे से आया, एक आदमी पीछे से आया। जो जो सामान है जल्दी से, संजोग से ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे थी, लाइट देख रहा था, लाइट देखा बस लेता तो मेरा मोबाइल तोबाइल सब ले लेता, लेकिन गाड़ी का लाइट जो देखा बस वो लोग गाड़ी पर से जबरदस्ती निकाल करके। क्या आदमी? 5 आदमी था ना? 3 आदमी था। आपका नाम? मेरा नाम हुआ रमन कुमार। घर? घर हुआ संजोग। भागलपुर में आपसी झड़प में गोलीबारी, एक युवक को लगी गोली। भागलपुर के मोजादीपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में मजार के समीप आपसी झड़प में गोलीबारी होने की घटना सामने आई। वहीं इस गोलीबारी में मोहम्मद सरफराज नामक युवक घायल हो गया। घायल अवस्था में मोहम्मद सरफराज को परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इसी दौरान घायल सरफराज ने बताया कि मोहम्मद छोटू पर मोहम्मद टीपू ने गोली चलाया था, लेकिन छोटू ने अपनी ओर खींच लिया, जिसमें गोली उसे लग गई। वहीं दूसरी ओर मुजादीपुर थाने की पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। बोलिए। मामला ये था कि हम सेरू नाम का एक लड़का है, तो उसका किराने का दुकान है, तो उसका छोटा भाई जो है पहले लोग मारपीट हो चुका था, तो इसका छोटा भाई बाद में दुकान खोला, तो हमारा फल का दुकान है तेतारपुर में पापा का, तो हम वहाँ से आए, हमको मालूम नहीं था कि झगड़ा उगड़ा हुआ, तो हम उसके दुकान गए सामान लेने। भिक्स तो सामान लेने गए ना, तो वहाँ हुआ ये कि उस पर गोली चलाई सेरू के भाई छोटू पर गोली चलाई टीपू, तो टीपू उस पर गोली चलाई, तो छोटू जो था उसका सेरू का भाई वो हमको घींच लिया, हम जा रहे थे तो मेरे को ज़बरदस्ती अपने तरफ घींच लिया, तो जो खींचा तो मुझे गोली लग गया। हाँ। गोली किस कहाँ पर लगी थी? गोली यहाँ जांघ पर लगी थी। जांघ पर? जी। पहले से झगड़ा हो रहा था कि बाद में झगड़ा हुआ? नहीं, हमारे आने से पहले एक बार हो चुका था सर, हमको पता चला यहाँ झगड़ा हुआ। क्या चीज के लिए झगड़ा हुआ था ये तो इतना मालूम नहीं है, तो सेरू कैसे हुआ था हमारा तो मैटर था नहीं, जो हमको पता होगा। हम लोग दौड़ते हुए आए तो ऑटो पे बैठा हुआ था, हम जा रहे कहाँ चले आए। आप कहाँ से आए? ससुराल है मौलाना चौकी। किस समय पता चला कि गोलीकांड हुआ? 6 बजे लगभग पता चला। 6 बजे? वहाँ से डायरेक्ट यहाँ? हाँ, डायरेक्ट हम आए तो ये ऑटो पे बैठा हुआ था, तो भाई हम लोग भी तेरी कुछ समझ में। आपका नाम? एक ही नाम है, साध्वी। साध्वी जी। घर? घर भाई हुसैनपुर में, मेरा मायके हुसैनपुर हुआ। साबरीन नाम है? साबरीन। साबरीन जी। नवगछिया सदुआ में अपराधियों द्वारा किसान की गई हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने NH31 सड़क को किया जाम, 2 घंटे तक आवागमन रहा बाधित। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के सदुआ गांव में सोमवार की रात्रि अपराधियों द्वारा घर में घुसकर किसान की गई हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने मृतक के शव को बीच सड़क पर रखकर रंगरा चौक के समीप NH31 सड़क मार्ग को जाम कर दिया। इसके फलस्वरूप NH31 सड़क मार्ग पर 2 घंटे तक आवागमन बाधित हो गया। दोनों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना पर पहुंचे नवगछिया SDPO दिलीप कुमार एवं रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आक्रोशित लोग प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने एवं अस्थायी पुलिस कैंप के अलावे
घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। वहीं लोगों के आक्रोश के मद्देनजर SDPO द्वारा परिजन को हर संभव सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं पुलिस कैंप स्थापित करने के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम को हटा लिया। एक हत्या हुई है, उसमें कितने लोगों को नामजद किया गया सर? थानेदार के द्वारा बताया गया कि 7 लोगों को नामजद किया गया। किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है? उसमें मुख्य सरोज यादव है और एक महाराणा यादव है, एक जय जय राम यादव है, 3 लोगों का नाम आ रहा है और कुछ अज्ञात लोग। पुलिस के छानबीन में अभी क्या सामने आया है? ये रेलवे के जमीन को कब्जा को लेकर के दोनों में काफ़ी दिन से विवाद था, जिसके लिए लोकल स्तर पर पंचायती हुई थी। कभी ये मामला थाना में नहीं आया, तो थाना के संज्ञान में भी नहीं था और उसी को लेकर के ये घटना हुई। पुलिस वहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? पुलिस के सुरक्षा तो पहले से था, क्योंकि बहुत पहले लगभग हमको लगता है 10 साल पहले एक घटना हुई थी, उसी समय से लगातार पुलिस उस गाँव में हम लोग रखे हुए हैं और उसके बावजूद ये घटना हो गई है, तो थोड़ा हम लोग के लिए सख्ते में डाल दिया है और एक्स्ट्रा पुलिस का व्यवस्था वहाँ पर किया गया है। अन्य स्तर से 1-4 बल का व्यवस्था हम लोग किए हैं, 1 ऑफिसर और 4 बल। पहले से 4-5 होमगार्ड वहाँ पर थे, तो मिला करके 10 फोर्स हो गए हैं वहाँ पर। महाराणा यादव का नाम आपने बताया, उन पर क्या पहले भी आपराधिक मामले? हाँ, पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं और इनके ऊपर में पहले में भी केस है। नवगछिया भाजपा कार्यालय में सम्मानित हुए बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, मौके पर कहा, कार्यकर्ता के लिए हमेशा हूं तैयार। नवगछिया स्थित भाजपा कार्यालय में मंगलवार को नवगछिया पुलिस जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह कुशवाहा कर रहे थे। संचालन जिला महामंत्री आलोक कुमार सिंह ने किया। इसके पूर्व भाजपा कार्यालय में प्रवेश करते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। सभा को कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि उम्मीद व्यक्त किया कि आए दिन भी श्री शैलेंद्र भाजपा संगठन और मजबूती प्रदान करने और भाजपा विचारधारा को जन जन तक अग्रसरित करने का काम करेंगे। नवगछिया साधोपुर गांव में लोह पुरुष की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के नेतृत्व में मंगलवार को रंगरा के साधोपुर गांव में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि उनका पूरा जीवन संदेश अनुकरणीय है, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और आम लोगों की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया के बनारसी लाल सराफ कॉलेज में NCC के लिए 56 छात्र छात्राओं की हुई भर्ती, 200 से अधिक छात्र छात्रा हुए थे शामिल। स्थानीय बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय में मंगलवार को NCC के लिए 56 छात्र छात्राओं की भर्ती की गई। इस चयन प्रक्रिया में 200 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। उक्त जानकारी महाविद्यालय के प्रवक्ता राजेश कनोडिया ने दिया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303367170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया मास सिकिंग में 56 लोगों एवं 5 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना।
नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास्किंग अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को मास्किंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 86 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 4300 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वही इस दौरान 5 वाहन चालकों से 4500 रुपए जुर्माना वसूल किया है। ढोलबज्जा सदगुरु मुक्त स्वरूप का जन्मोत्सव सह 4 दिवसीय सत्संग सम्मेलन का आयोजन। सतगुरु मुक्त स्वरूप माधो बाबा का जन्मोत्सव सह 4 दिवसीय सत्संग सम्मेलन का आयोजन संत मुक्त स्वरूप मानव सेवा आश्रम पूर्णिया जाले के रुपौली प्रखंड अंतर्गत मुक्त धाम ढोलबज्जा के समीप विजय लालगंज में आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन ज्ञान स्वरूप गोस्वामी जी कर रहे हैं। नारायणपुर रुपए के लालच में बांका के ट्रक चालक ने खुद के अपहरण का रच दिया साजिश। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि 73,500 रुपए के लालच में बांका जिले के भगवानपुर गांव निवासी ट्रक चालक नित्यानंद पासवान ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रचकर 11 दिसंबर शुक्रवार की रात्रि BR10GB2555 के ट्रक चालक बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर निवासी संतोष कुमार ने अपने ट्रक चालक बांका जिले के भगवानपुर निवासी नित्यानंद पासवान को स्कॉर्पियो सवार हथियारबंद बदमाशों द्वारा अगवा करने का मामला शनिवार को अज्ञात के विरुद्ध भवानीपुर ओपी में दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने पर भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार ने वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से अनुसंधान शुरू किया। वहीं जांच के क्रम में भवानीपुर पुलिस को जानकारी मिली कि ट्रक चालक नित्यानंद पासवान बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के अपने घर पहुंच गया है। घर से लाकर भवानीपुर ओपी में पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में चालक ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था। उसने बताया कि मालिक के बालू बिक्री का रुपए गबन करने के लिए उसने झूठ मूठ का अपहरण का साजिश रचा था। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल चाउमीन मोमोज बिरयानी नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9303667170। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।